दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक रेलगाड़ी किसी समुद्र या महासागर में बने पुल या ब्रिज से होकर गुजरती है, तो क्या किसी जांच या बिना चेकिंग के ही पुलिया के ऊपर चला दी जाती है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिया या ब्रिज के ऊपर जाने से पहले एक सिग्नल द्वारा कंट्रोल किया जाता है रेलगाड़ी को। इस सिग्नल का नाम एनीमोमीटर सिग्नल है और ये सिग्नल एनीमोमीटर खम्भे के ऊपर लगा रहता है। दोस्तों, इस खम्भे पर लगा सिग्नल ही हवा की तीव्रता को मापता है, यानी कि हवा कितनी तेज है उसे ये सिग्नल पता करता रहता है। और जैसे ही हवा की तीव्रता या हवा की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होने लगती है, तो ये सिग्नल अपने आप ही लाल बत्ती दिखा देता है। मतलब जो सिग्नल हरे हुए रहते हैं गाड़ी को पुल पर भेजने के लिए, वो सभी सिग्नल ऑटोमेटिक ही हवा तेज होने पर डेंजर में चले जाते हैं और लाल बत्ती दिखाने लगते हैं, जिससे ट्रेन लोको पायलट द्वारा रोक दी जाती है और हवा की तीव्रता या गति कम होने का इंतजार किया जाता है। यदि 2 घंटे तक भी हवा कम नहीं होती है तो उस जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जैसा कि परसों ही पम्बन ब्रिज, तमिलनाडु के पम्बन ब्रिज पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।